आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से समूह चर्चा यह पाठ देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका परिचय व प्रस्तुतिकरण पढ़ती हूँ। समूह चर्चा से विद्यार्थियों में प्रभावी ढंग से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। एक निश्चित उद्देश्य और विषय को लेकर यह आयोजित की जाती है। समूह चर्चा एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो विद्यार्थियों के छोटे समूहों को मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सीखने का एक सशक्त और सक्रिय तरीका है। समूह में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने की लिए प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है। इस माध्यम से वे दूसरों को सिखा भी सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। समूह चर्चा के लिए पर्याप्त समय का प्रावधान करना होता है। समूह चर्चा में भाग लेकर वे एक दूसरे को सुनने, अपने विचारों को समझने और आपसी सहयोग से काम करने जैसे कौशल सीखते हैं। समूह चर्चा के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सामूहिक चर्चा के लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम, सामूहिक चर्चा के लिए आवंटित समय जिसमें कोई भी प्रतिक्रिया का सारांश कार्य शामिल है, समूहों का वर्गीकरण, कितने समूह, प्रत्येक समूह में कितने छात्र, समूह के लिए मापदंड, समूह को कैसे संगठित करें, समूह के विभिन्न सदस्यों का भूमिका, आवश्यक समय, सामग्रियां एकत्रित करना। सफल समूह चर्चा के लिए पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है। समूह चर्चा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से बिना झिझक कर वह लोगों तक पहुंचाया जाता है। प्रभावी समूह चर्चा के लिए आवश्यक अंग निम्नलिखित हैं, उसका प्रस्तुतिकरण आज हम देखेंगे। विद्यार्थी समूह में काम करके शेष कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकते हैं। यह तब सबसे बढ़िया काम करता है जब प्रत्येक समूह के पास विषय का अलग अलग पहलू होता है, ताकि उन्हें एक ही विषय को कई बार सुनने की बजाय एक दूसरे से सुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रत्येक समूह दिए गए समय का पालन करे और अच्छे प्रस्तुतिकरण के लिए मापदंड तैयार करें। समस्या का हल करना, किसी समस्या को हल करने के लिए समूह चर्चा की जाती है। विश्लेषण करना, समूह चर्चा द्वारा किसी विषय या घटना का विश्लेषण किया जा सकता है। किसी शिल्पकृति या उत्पाद का सृजन करना, विद्यार्थी किसी कहानी, नाटक के अंश को, संगीत के अंश को, किसी अवधारणा को समझाने के लिए मॉडल, किसी मुद्दे पर समाचार रिपोर्ट या जानकारी का सारांश बनाने या किसी अवधारणा को समझने के लिए पोस्टर को विकसित करने के लिए समूह चर्चा कर सकते हैं। नए विषय के आरंभ में विचार मंथन या दिमागी नक्शा बनाने के लिए समूह को 5 मिनट का समय देकर विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का आकलन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के काम, समूह चर्चा के दौरान किसी भी काम के फायदे और नुकसान पर चर्चा करके उस काम को किया जा सकता है। कि अगर हमारे पास कोई काम है या कोई विशेष मुद्दा है चर्चा करने के लिए, तो हम उसी दौरान सामूहिक रूप से एक दूसरे की राय जानकर हम उसके ऊपर चर्चा करके योग्य ऐसा मार्ग निकाल सकते हैं। संकोची स्वभाव वाले विद्यार्थियों से
कक्षा की बजाय समूह में प्रश्न पूछना अधिक आसान लग सकता है। जो विद्यार्थी संकुचित है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को अगर कुछ पूछना है तो हम ग्रुप में या समूह में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो अकेले आंसर देने के लिए, अकेले उत्तर देने के लिए डर जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। तो ये आत्मविश्वास हम समूह और चर्चा में बच्चों में पैदा कर सकते हैं। परिचर्चा। समूह चर्चा में विद्यार्थी किसी मुद्दे पर विचार करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके लिए अध्यापक मार्गदर्शक की ओर से काफी तैयारी की जरूरत पड़ सकती है, ताकि सुनिश्चित हो कि छात्रों के पास विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए पर्याप्त ज्ञान है। किसी चर्चा या वाद विवाद को आयोजित करना बहुत लाभदायक हो सकता है, जिससे उसके विविध पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। समूह संगठन। 4 या 8 के समूह आदर्श होते हैं, लेकिन यह कक्षा के आकार, भौतिक पर्यावरण और संसाधन तथा कक्षा की दक्षता और उम्र के दायरे पर निर्भर होता है। आदर्श रूप से समूह में हर एक दूसरे से मिलने बिना चिल्लाए बातचीत कर सकते हैं और समूह के परिणाम में योगदान करना चाहते हैं। तय करें कि आप छात्रों को कैसे और क्यों समूह के विभाजित करेंगे। उदाहरण के लिए, आप समूह को मित्रता, रुचि या मिश्रित दक्षता के लिए अनुसार विभाजित कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों का प्रयोग करें और समीक्षा करें कि प्रत्येक कक्षा में लिए कौन सा तरीका सर्वोत्तम ढंग से काम कर सकता है। इस बात की योजना बनाएं कि समूह के सदस्य को आप क्या भूमिकाएं देंगे। उदाहरण के लिए, नोट्स लेने वाला, प्रवक्ता, टाइम कीपर या उपकरण का संग्रह करता, और इसे कैसे स्पष्ट करेंगे। आगे दिए है समूह प्रबंधन। समूह प्रबंधन एक ऐसी बात दी है कि जहाँ पे समूह चर्चा के आरंभ से ही एक निश्चित नियम बनाया जाता है, जिससे उस चर्चा का सार्थक परिणाम निकल सके। आपको चर्चा करनी चाहिए कि समूह द्वारा अच्छा व्यवहार क्या होता है, और संभव हो तो नियमों की एक सूची बना सकते हैं जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक दूसरे के लिए सम्मान, सुनना, एक दूसरे की सहायता करना, एक विचार से अधिक को आजमाना आदि। उसके लाभ आगे दिए हैं। समूह चर्चा से व्यक्तित्व कौशल्य का विकास होता है। समूह चर्चा से पारंपरिक कौशल्य का विकास होता है। समूह चर्चा से नेतृत्व कौशल्य का भी विकास होता है। समूह चर्चा से विश्लेषणात्मक तथा तार्किक कौशल्य का विकास होता है। समूह चर्चा से भाषा कौशल्य का विकास होता है। समूह चर्चा से आत्म विकास का विकास होता है। समूह चर्चा द्वारा किसी भी विषय के गुण दोष की जानकारी हो जाती है। इस तरह से ये जो समूह चर्चा है वो विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण काम करती है, और इसी तरह से समूह चर्चा में सब विद्यार्थी और सब बच्चे अगर भाग लेते हैं, तब उस चर्चा में बच्चों में एक प्रकार का आत्मविश्वास भी निर्माण होता है। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा किसी से बात करते नहीं है, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वो डर जाते हैं, तो इसमें समूह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके वैशिष्ट्य भी हमने पढ़े हैं कि वो क्यों वैशिष्ट्यपूर्ण है और क्यों उपयोगी है। उससे अपने अंदर के जो कौशल्य है, टैलेंट है, व्यक्तित्व है, उनका विकास हो जाता है, और परस्पर एक दूसरे का से भी वो बात करके सब में घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के कौशल्य समझ जाते हैं, एक दूसरे के विचार समझ में आते हैं, और उससे बच्चों में, विद्यार्थियों में नेतृत्व करना, आज्ञा कर, कोई भी बात का लीडरशिप जिसे हम कहते हैं, आज्ञा के बनना, उनका उसमें नेतृत्व में भी विकास हो जाता है, और उनको एक तरह की सोचने की और तार्किक की
विश्लेषण करने की, कोई भी बात को समझने की एक प्रकार की उनमें हिम्मत आ जाती है, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है और वह समूह चर्चा में सहभागी होकर अपने विचार वो दूसरों के आगे वो डाल सकते हैं, समझ सकते हैं और उनमें उनमें भाषा कौशल का भी विकास होता है, उनकी भाषा भी सुधर जाती है, उनमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें भी प्रोग्रेस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर निर्माण हो जाता है। इस तरह से समूह चर्चा में विद्यार्थियों के गुण और दोष दोनों की जानकारी हमें मिल जाती है। आशा करती हूँ जो समूह चर्चा का पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप भी ये पूरा पाठ अपने घर में रीड कीजिए और समझिए। धन्यवाद।